अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुहाना की दुनिया। तो मैं आज आ चुकी हूँ फ्लेम रेस्टोरेंट, आपको फुल रिव्यू देने वाली हूँ, वो भी फुल ऑनेस्ट रिव्यू। तो आपको फुल डिटेल मिलने वाली मेरे इस व्लॉग में। और जैसे ही आप इसमें इंटर होंगे, आपको फील होगा आप हेवन में आ गए। इतनी कोई ब्यूटीफुल जगह थी ये, आप पूरा देखें इन्होंने किस तरह से इसे डेकोरेट किया हुआ है, किस तरह से इन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं, किस तरह इन्होंने प्यारे प्यारे सोफे रखे हुए। और ये पूरा रेस्टोरेंट आउटडोर के स्टाइल में था, यानी हर चीज़ आउटडोर थी, इंडोर नहीं था, और ये टॉप पर बनाया गया था। अच्छा, इस रेस्टोरेंट में आप जैसे ही इंटर होते हो, तो आप जैसे ही बैठते हो, तो ये आपको ऑफ़र करते हैं कि आप उन्हें शीशा पीना है, तो उसके भी इन्होंने चार्जेस अलग से रखे हुए हैं, और उसको वो भी काउंट होते हैं। जो ट्राई करना चाहता है वो यहाँ पे वो भी ट्राई कर सकता है। जैसे ही आप इंटर होते हैं रेस्टोरेंट में, तो आपको ना एक तरह की वाइब्स आती है कि आप दुबई में आ गए हो, यानी आउट ऑफ कंट्री में आ गए हो, क्योंकि मोस्टली दुबई में बिल्डिंग्स होती हैं और वो हमेशा टॉप पे होता है। तो यहाँ से आपको पूरा व्यू नज़र आ रहा होगा, और ये जिस जगह पे है ना, वो क्लिफ्टन में, DHA में और Phase 8 में। वैसे मुझे फुल इसका एड्रेस है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और साथ ही साथ इन लोगों ने ना हाइजीन की बहुत अच्छी मैनेजमेंट भी करके रखी हुई है। मैं यहाँ पर इवनिंग के टाइम गई थी, और इवनिंग से लेकर नाइट तक मैं यहीं थी, तो मैंने दोनों का व्यू लिया। तो इवनिंग के टाइम भी बहुत प्यारा व्यू आ रहा था, और जब नाइट होती है तो लाइट्स ओपन हो जाती है टेबल्स पे भी, वो भी मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी, और मेन्यू भी शो करवाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, सब कुछ आपको भी मिलने वाला है मेरे व्लॉग में। वैसे यहाँ पर एक फन फैक्ट है कि इस रेस्टोरेंट का जो नाम है वो हम फ्लैम कहते हैं, लेकिन वो रियल नेम फ्लाम में है इसका नाम। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग फ्लेम है, लेकिन इसे प्रोनाउंस इस तरह करना चाहिए। अगर आप एक चीज़ नोट करें, तो इस रेस्टोरेंट के जो पूरी एनवायरनमेंट है ना, बिल्कुल पेरिस जैसी है। पूरा पेरिस का एटमॉस्फेयर आपको फील होगा, आप देखें अगर गौर करें तो मेरी तरह। मैंने ये भी बात नोट की कि इन्होंने एक ही एरिया में सोफों के कलर की स्कीम डिफरेंट रखी है, यानी इनका कलर का कंट्रास्ट शो हो रहा है, और यहाँ पे अट्रैक्शन आ रही है, तो मुझे ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। यहाँ पर इनका एम्बियंस स्टार्ट होता है, और एम्बियंस आपको देख के लगेगा कि इतना कोई प्यारा लग रहा था, माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई मैजिकल चीज़ हो, इतनी ज़्यादा कोई एलिगेंट लग रहा था, क्योंकि इनकी जो लाइट का कॉम्बिनेशन था, ऊपर वाइट नीचे गोल्ड, उफ बहुत अच्छा था, लाइट्स बहुत प्यारी लग रही थी। साथ ही इन्होंने 2 डे स्पेशल मेन्यू रखा हुआ था कि आपको यहाँ का 2 डे का स्पेशल मेन्यू ये है, तो आपको ये ट्राई करना है तो आप ये कर सकते हो, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। पूरे रेस्टोरेंट का सबसे डिफरेंट साइड था, यानी सबसे यूनिक सा बनाया हुआ था। इसमें खड़े होकर आप पिक्चर्स ले सकते हो, यहाँ के यहाँ पर खड़े होने के बाद एक अलग ही वाइब्स आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर खड़े होने के बाद आपको लग रहा था कि आप बहुत खूबसूरत जगह खड़े हो गए, तस्वीरों के लिए स्पेशली। मेन्यू स्टार्ट होता है पूरा, तो मैंने सोचा आपको मेन्यू शो करवा देती हूँ। अगर आप लोगों ने इसकी स्क्रीन शॉट लेनी है तो आप ले लो, आराम से देख लो जाने से पहले कि क्या क्या प्राइसेस हैं, क्योंकि मैं जब भी किसी रेस्टोरेंट का आपको रिव्यू देती हूँ, तो वहाँ की आपको इतनी ज़्यादा डिटेल देती हूँ कि इतनी शायद आपको किसी और व्लॉग में कभी नहीं मिल सकती। तो आप आराम से प्राइसेस चेक कर लो, और यहाँ पे क्या क्या आइटम है वो भी देख लो जल्दी जल्दी से। यहाँ पे स्वीट्स में भी ये स्पाइसी की चीज़ें हैं, बारबेक्यू का भी आइटम है, और चाउमीन वगैरह भी हैं, पास्ता भी है, हर तरह की चीज़ें, बर्गर्स भी हैं, सैंडविचेस भी हैं, पिज़्ज़ास भी हैं, तो और उनके भी बहुत सारे फ्लेवर हैं। इनके पास काफ़ी आइटम था, और प्राइस सामने मेंशन हुई भी है, वो भी आप जल्दी से देख लो, और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक्स्ट्रा कुछ डलवाना है तो उसके भी चार्जेस अलग से हैं, एक एक चीज़ें जल्दी जल्दी देख लें। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट हो गई है, और रात के टाइम यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, और टेबल्स पर लाइट ऑन हो जाती है इस तरह के कलर की, तो ये बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एनवायरनमेंट लगने लगता है। तो ये वाला जो व्यू है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो अगर आप रात के टाइम आते हैं तो आप इसका भी मज़ा उठा सकते हैं। जब आप इनके रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो ना, तो इनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये अच्छी लगी कि यहाँ ना एक हर लाइट सा ये इंग्लिश म्यूज़िक लगा देते हैं, तो इस एनवायरनमेंट में वो म्यूज़िक इतना ज़्यादा कोई सूट कर रहा होता है, साथ साथ म्यूज़िक भी बंदा सुन रहा होता है, यहाँ पे भी बैठा हुआ होता है। तो यहाँ पे फाइनली बात ख़त्म होती है, यहाँ पे मैंने खाना मंगवा लिया है, तो यहाँ पे हमने मंगवाई थी क्लब सैंडविचेस, और उसके बाद यहाँ पे मंगवाई थी अफ़गानी बोटी
चिकन मिलाई बोटी और साथ ही साथ हमने मंगवाया था चिकन स्टेक। तो हम लाइन से पॉइंट करते हैं, जो चिकन स्टेक था इसे मैंने 10 में से 9.5 दिए, काफ़ी अच्छी थी। अगर अफगानी बोटी की बात करें तो ये मैं आपको इसके कोई मार्क्स नहीं दे सकती क्योंकि मैंने खाई थी तो मुझे बस ये नॉर्मल लगी थी, लेकिन शायद ये बॉयज़ को ज़्यादा पसंद आती है, मुझे वैसे ही अफगानी बोटी पसंद नहीं है तो इसलिए मैं इसको आपको मार्क्स नहीं दे सकती, तो ये इसके मैंने डिसाइड नहीं किया खा के, मुझे एक आइडिया नहीं हो पाया इसका, तो ये आप लोग को खुद आइडिया लगाना पड़ेगा। लेकिन जो चिकन मिलाई बोटी थी ये अंदर से ना बिल्कुल आपको चिकन के साफ पीसेस नज़र आ रहे थे, थोड़े यूनिक सी थी। और चिकन मिलाई बोटी को मैं मार्क्स दूंगी 9 marks 10 में से, और ये स्टेक थी बहुत अच्छी थी, ज़रूर ट्राई करें आप लोग। और सैंडविचेस को मैं दूंगी 8.5 marks। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया था, आप लोग ज़रूर ट्राई करो, अच्छा था, सफाई का बहुत ख्याल था। चिकन मिलाई बोटी अंदर से आप देख रहे हैं कितनी साफ़ है, मतलब अंदर से ऐसा लग रहा है फ्रेश फ्रेश चिकन को उन्होंने कट करके अभी अभी बनाया है, तो अंदर से वो बिल्कुल चिकन आपको सादी नज़र आ रही होगी, और भाई से इसमें स्पाइसी मसाले लगे हुए। और ये सैंडविच था, ये स्टेक थी, तो ये हमारा आज का जो हमने ऑर्डर किया था वो था। तो यहाँ पर आपको आइडिया हो गया होगा सारा रेस्टोरेंट का, एक एक चीज़ मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह बता दी है। सो गाइज, इफ यू लाइक माई व्लॉग तो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आते जाते मैं हमेशा की तरह बोलूंगी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। अल्लाह हाफिज़।